कांग्रेस पार्टी की साइकिल यात्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मादीपुर शिव मंदिर के ये बाहर की तस्वीरें हैं और इस पूरी कवायद को लीड कर रहे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव। 27 विधानसभाओं के अंदर इस तरह की साइकिल यात्रा की जा रही है और लोगों तक ये कांग्रेस की नीतियां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देवेंद्र जी, ये इंटेंशनल आपने रखा है कि गठबंधन की बात हो रही है और साइकिल पे सीट नहीं है दूसरी? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो था वो प्लान था। हमने पहले ही, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा को लेके जाना लोगों तक हमारा ड्यूटी है, आज मुझे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संगठन को मजबूत कर सकूं और उसी के लिए हमने ये पूरा कैंपेन शुरू किया है। लगभग 27 विधानसभा जो मेरा कार्य क्षेत्र था उन सभी में हम साइकिल के द्वारा लोगों को, चाहे वो पैम्पलेट्स के द्वारा हम अपनी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे, उनके घर घर जाकर उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि हमने बूथ लेवल का कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में रखा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें सवाल था कि आपने सीट दूसरी क्यों नहीं रखी है, आम आदमी पार्टी बैठना चाहती है? वो आम आदमी की इच्छा है, आज आम आदमी साइकिल पे जगह नहीं है कांग्रेस की। आज आम आदमी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की कोई कहीं जगह नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ। आप भी यही चाहते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे जनसंपर्क का बहुत बढ़िया माध्यम चुना है पार्टी ने और हम अपनी नीति और रीति को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो रास्ता है वो सबको साथ लेकर विकास का रास्ता है और उस पर कांग्रेस पार्टी है जनसंपर्क। सांसद पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी यही चाहते हैं? बिल्कुल वही चाहते हैं, जो कांग्रेस की पॉलिसी को और विचारधारा को घर घर तक पहुँचाना, राहुल गांधी जो मिनिकम मेनमे में ये रखे हैं उस गारंटी को सबको घर घर पहुंचा कर गरीब को फायदा पहुंचाना। तो आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यही चाहता है, मैं आपको बात भी पहुंचा रहा हूं। लेकिन यहां पे एक बड़ी बात यह है कि देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मेरी साइकिल ही, क्या किसी के लिए भी, किसी के मन में भी आम आदमी पार्टी की जगह नहीं है। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज दिल्ली।